नमस्कार, जी टीवी में आपका स्वागत है। यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। बुलंदशहर के कुछ पाहुज क्षेत्र के इसी चामुंड के मंदिर के दरअसल रात भर सैकड़ों महिलाएं जल चढ़ाने के लिए पहुंची, क्योंकि वहां महिलाओं का डर था कि अगर गुरुवार की देर रात तक देवी को जल नहीं चढ़ाया जाएगा तो जिन महिलाओं ने अरुई और अष्टमी का व्रत रखा है उनके बच्चों की मौत हो जाएगी। ऐसी एक अफवाह के चक्कर में फंसे लोगों ने देर रात्रि तक चामुंडी मंदिर पर चढ़ाए गए जल को लेकर काफी लोगों का तांता लगा रहा। बुलंदशहर में अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाले सैकड़ों महिलाएं मंदिर में देवी को जल चढ़ाने के लिए पूरी श्रद्धा और सुमन से लाइन में लगी रही और देर रात तक इसके जल चढ़ाने में लंबी कतारें लगाकर मंदिर के प्रांगण में छाई रही। वहीं लगातार लोगों का जल चढ़ाने का मन्नतों को पूरा करने के लिए काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है तथा लोगों द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों के भी शिकार हुए हैं लोग। जहां लोगों का कहना है कि मंदिर में अष्टमी के व्रत करने वाले महिला अगर चढ़ने चढ़ाएंगे तो उनके घर में किसी कष्टदायक स्थिति हो जाएगी। ऐसे कष्टदायक स्थितियों को सफल बनाने के लिए महिला वर्ग ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उसी मंदिर में आज सुबह से लेकर शाम तक काफी जल चढ़ावे की ओर लेके तांता लगा रहा। केला देवी, केला जी ये बताइए कि आप रात में इस वक्त ठंड में यहाँ आज क्यों पूजा करने आई हैं? जैसे ही कहते खबर मिली है ऐसे ही आए। क्या खबर मिली आप लोग? किसी के कर वो आठवें दिन वाले पांच बेटा मर खत्म है गई। तो इसलिए बताइएगा मैया बिछड़ रही है या मैया को चामड़ मैया को नहवाओ। अच्छा, इसलिए सब चामड़ मैया को नहवा रहे हैं अपने बच्चन के मारे। कौन सी जगह है ये? कहाँ कौन सी जगह है, क्या नाम है इस जगह का? ये तो पहाड़ सुबह। अच्छा, पहाड़ सुबह चामड़ वाला मोहल्ला। क्या नाम है आपका? सरोज जी, ये बताइए कि आप इतनी रात गए या रात में चामड़ के मंदिर पे क्या करने के लिए आए? पूजा करने के लिए आए। किसने, इससे पहले आपने कभी पूजा की है? नहीं, हमने नहीं करी कभी। कितनी उम्र है आपकी? उम्र मेरी होगी 40 के लगभग। तो 40 साल में पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? अच्छा, क्यों चढ़ा रही हैं आप जल? जी चढ़ा रही है, बेटन के ऊपर चढ़ा रही कहीं है। क्या दो बेटा हो तो दो लोटा चढ़ाए। हाँ। एक होता एक चढ़ाए। अगर नहीं चढ़ाएंगे तो क्या होगा? अब ये तो ऊपर वाले की पता हुई है ना क्या तो होगा? क्या सुनाया आपने? हमने तो यही सुना, तो यही बता रहे हैं। अच्छा, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।